दिन दिहाड़े कतल, कोई दिन खाली नहीं जाता जिदन कतलों गारत नहीं होंगे। ये कतल दियां तारां जिहड़ियां ने गैंगस्टर कल्चर अते ड्रग माफिया दे नाल जुड़ियां होईयां, हुण इस नूं नत्थ पाउणी बहुत जरूरी, वरना पंजाब दे विच कोई सेफ नहीं गा। और उह शूटर्स नूं किहने भेजिआ, किहने सुपारी दित्ती, की मकसद सीगा, इस कतल ने यह सारा कुछ साबित करना। मतलब जे इहदी इन्वेस्टिगेशन अद्धी छड्ड दित्ती, इहनूं पूरा जड़ तक ना लिया गया, इहदा मतलब यह होगा कि पंजाब दे विच कोई सेफ सिक्योर नहीं गा। जिहड़ा भगवंत सिंह मान रोज़ कहिंदा सी रंगला पंजाब बना ले, ये रंगला नहीं बन रहा भगवंत, ये कंगला बन रहा वा। और इकल्ले इश्तहारां नाल बोर्ड ला के पैसे खर्च के तुसीं इस नूं एक रंगला पंजाब की तस्वीर नहीं दे सकते। अज तस्वीर बल्ली दे घर विच पता लगती है पहुँच के कि इत्थे इहदे हालात की आ। उहदा छोटा नौजवान बच्चा है, उहदी एक भैण आ, छोटा जिहा परिवार आ, पिछों तुरे आउंदे कल्ले कल्ले सीगे। मोगा के पिंड डाली च बीते दिन अणपछाते व्यक्तियों के वलों कांग्रेसी ब्लाक प्रधान बलजिंदर सिंह बल्ली का कतल कर दिया गया, जिस तों बाद मोगा के इस पिंड दे विच दहशत का माहौल बनिया होया। पुलिस ने इस मामले दे विच 6 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दस दी कि उत्थे ही अज परिवार के नाल सुखपाल सिंह खैरा दे वलों मुलाकात की गई ते उन्होंने नाल दुख साझा किया गया। बलजिंदर सिंह बल्ली दे कतल दे मामले दे उत्ते सुखपाल सिंह खैरा दे वल्लों पंजाब दी मौजूदा सरकार नूं लम्मे हत्थी लिया गया। उन्हां कहा कि आए दिन पंजाब दे विच लुट्टां खूहां कतलेआम करन दे मामले सामने आ रहे ने, ते पंजाब विच अमन कानून दी स्थिति बहुत ज़्यादा माड़ी हो गई है। बहुत अफसोस ते दुख दी गल है कि पंजाब वर्गे एक अगाँह वधू सूबे दे विच दिन दिहाड़े कतल, कोई दिन खाली नहीं जाता जिदन कतलों गारत नहीं होंदी। और अज मैं अफसोस करन आया पहुँचे असी सरदार बलजिंदर सिंह बल्ली जिहड़े कि डाला पिंड दे 18 तरीक नूं दिने कतल किए गए ने, और सारियां गल्लां वो CCTV विच कैद ने। और ये कतल जिहड़ा मेरे परिवार ते इलाके वाले ने दस्या कि एक सधारण कतल नहीं गा, ये कतल दियां तारां जिहड़ियां ने गैंगस्टर कल्चर अते ड्रग माफिया दे नाल जुड़ियां होईयां, हुण इस नूं नत्थ पाउणी बहुत जरूरी, वरना पंजाब दे विच कोई सेफ नहीं गा। और ये जिहड़ा पुलिस की अज मैं SSP नाल भी गल की, मैं DGP पंजाब नाल भी गल करूँगा, मैं उम्मीद करदा कि यह कल्ला वो जिहड़े आदमी इमीजिएटली एक पिंड विच जिद्दां रंजिश के कारण फड़े गए ने, उन्हां तों अगे हले 2 शूटर्स फड़ने रहिंदे ने। और वह शूटर्स नूं किहने भेजिआ, किहने सुपारी दित्ती, की मकसद सीगा, इस कतल ने यह सारा कुछ साबित करना। मतलब जे इहदी इन्वेस्टिगेशन अद्धी छड्ड दित्ती, इनू पूरा जड़ तक ना लिया गया, इहदा मतलब यह होगा कि पंजाब दे विच कोई सेफ सिक्योर नहीं गा। जिहड़ा भगवंत सिंह मान रोज़ कहिंदा सी रंगला पंजाब बना ले, ये रंगला नहीं बन रहा भगवंत, ये कंगला बन रहा वा। और इकल्ले इश्तहारां नाल बोर्ड ला के पैसे खर्च के तुसीं इस नूं एक रंगला पंजाब की तस्वीर नहीं दे सकते। अज तस्वीर बल्ली दे घर विच पता लगती है पहुँच के कि इत्थे इहदे हालात की आ। उहदा छोटा नौजवान बच्चा है, उहदी एक भैण आ, छोटा जिहा परिवार आ, पिछों तुरे आउंदे कल्ले कल्ले सीगे ते इहदा शिकार। और इलाका निवासियां ने कहा कि असीं आप बहुत एक दहशत दी माहौल विच आ, कोई भी आदमी मूहरे आण के कैमरे ते कोई गल कहण तो 100 वारी सोचदा वा कि पता नहीं मेरा हशर की होवेगा, कितें बल्ली वाला हशर तां नहीं होवेगा। मैं बतौर MLA तुहानूं कह रहा, मैं पिछले काफ़ी अरसे तो पंजाब दे विच जिहड़े इशूज़ ने, चाहे वह युवापा का केस है, चाहे वह जिहड़े NSA की गल की मैं पंजाब दे विच, या गैंगस्टर्स के खिलाफ बोलदा, जिहड़े सिद्धू मूसेवाले के कातल सीगे या उन्हां दे खिलाफ बोलदे आ, मैनू बहुत अच्छे चंगे चंगे जिहड़े सारी दुनिया चों फोनस आउंदे ने, मेरे अपने करीबी जिहड़े हमदर्दी करदे ने कि खैरा साहब तुसीं अपना ध्यान रखना वा, सड़क ते एहतियात नाल चलना वा। आ पंजाब दी अज तस्वीर है कि नोबडी इज़ सेफ। अगर MLA फॉर्मर लीडर ऑफ ओपोजिशन अपने आप नूं इनसिक्योर फील करदा वा, आम सधारण बंदियां दी तुसीं गल समझ सकदे। सो मैं, मेरी मंग आ बतौर एक ओपोजिशन ते, और मेरे नाल अज इत्थे हमदर्दी करन वास्ते जिहड़े इलैक्शन लड़े ने भुपिंदर सिंह साहोके, निहाल सिंह वाले, काका सुखजीत सिंह जी लोगड़, XMLA और प्रेजिडेंट ज़िला कांग्रेस कमेटी अते होर पतवंते सज्जन, साडी ये मंग आ कि दी टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करके जिहड़े असल किलर्स ने, नॉट मेरली सुपारी किलर्स, नॉट ओनली शूटर्स, बट द पीपल हु हैव एक्चुअली कंस्पायर्ड टू फिजिकली एलिमिनेट एंड किल बलजिंदर बल्ली, दे मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। एंड एग्जैम्पलरी पनिशमेंट देने दे नाल हुंदा कि उन्होंने हौसले पस्त होंगे ने, ते जदों तुसी असल गुनाहगारां नूं नहीं फड़दे ते उन्हां दे हौसले बुलंद होंदे ने,
तो ये भगवंत मान वास्ते भी एक इम्तिहान की घड़ी आ बतौर मुख्यमंत्री और बतौर होम मिनिस्टर स्टेट के कि की वह बलजिंदर बल्ली के परिवार को इंसाफ दवा सकते हैं। और मैं दात देना चाहना इस घर दियां औरतां दे बल्ली की मदर बजुर्ग ने उहदे घरों धर्म पत्नी वह कहिंदे साडा तो जो नुकसान होना वह तो गया हो पर इदां दे गैंगस्टर्स ड्रग माफिया होर साडे पंजाब दे नौजवानों का नुकसान ना करन असी ये लड़ाई लड़ के अगे लैके जावांगे और नहीं करनगे। वी हैव ऑल द ऑप्शनस टू गो अप्रोच टू द हाई कोर्ट और ईवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सो दैट थले कोई मिली भुगत दे नाल गुनाहगारां नूं किसी तरीके दे नाल गलत छड्या ना जावे। इस मकसद नाल मैं अज देखो गल ये हैगी आ ये सारे ना लफ्ज़ां दे हेर फेर हुंदे ने सरकारां दे ये सारा फजिंग ऑफ फिगर्स कहिंदे ने। असीं विधानसभा च बैठदे ने जिहड़ी भी सरकार बणदी उह कहिंदी ना जी साडा तां जिहड़ा ट्रैक रिकॉर्ड ही बहुत हो गया साडी तां आमदनी बहुत हो गई है तो जे जाम जे आमदन हो गई है तो फिर 50,000 करोड़ रुपया पंजाब के सिर पर कितना चढ़ गया वा। इस तरह क्राइम दियाँ फिगर्स नू त्रोड़ मरोड़ के जनता नू मूर्ख बनाने वास्ते कभी कोई डाटा कढ़ लेंदे ने कभी कोई फिगर्स कढ़ लेंदे ने। असलियत तो आपां नू पता ना जिहड़े इत्थे आपां जमीन दे उत्ते हंडारे आ जिद्दां बलजिंदर बल्ली वर्गे परिवारां नू सिद्धू मूसे वाले दे परिवार नू जाके पुछो उहनां दे घरां विच की बीत रही आ पुछो उहनां लोकां नू जिन्हां दे घरां च गैंगस्टर्स दे फरौतियां दे फोन आ रहे ने लखां रुपए की डिमांड्स आ रही पता नहीं किन्ने लोग चुप चुपीते जाके दे भी आउंदे ने। इस करके ये क्लेम करना कि पंजाब बहुत लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा अगे हैगा दिस इज़ 100% रोंग। इतने जेलों चो बैठे इंटरव्यूआं चल रही ने इतने जेलों चो बैठे जिम्मेवारियां चल रही ने विदेशों होए कतलों के। सो मैं तो यह कह आया वा कि बड़े दुख की गल है कि कितने साडा पंजाब गुरुआ का पीर पैगंबर का कितने अज पंजाब जड़ा वो ड्रग्स के इल्जामों में घिरया होया वा चिट्टे ला ला के जेडे इन्हों रैलियां गए ने बंदे बसों तो उतर रहे थे अमृतसर वह अपन नसा के टीके ला के तो रैली में लेके आ रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले जे कहते बहुत व्डा बदलाव लैके आना। सो असल में जमीन पर पोजिशन यह इश्तहारबाजी बोर्ड ला के पंजाब जड़ा वा उन्हों को तुम एक अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर सकते। हाँ अच्छी तस्वीर उदन पेश होगी जिदन बलजीत बलजिंदर बल्ली वर्गे परिवारों को इंसाफ मिलेगा जी। संस्कार वो परिवार की मर्जी है जब जद तक जेडे असल गुनाहगारा तक नहीं गाज डिगदी बंदे नहीं फड़े जाते रियल कॉन्सपरेटर्स हैव नॉट विल नॉट बी अरेस्टिड ए परिवार के उत्ते मर्जी असं इन्हों के नाल है जब ये कहेंगे उदों अंतिम संस्कार किया जाऊगा। मैं उम्मीद करता वा कि सरकार अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस बलजिंदर बल्ली के कातलों नू जल्द तो जल्द गिरफ्तार करेगी। धन्यवाद जी। दस दी कि इस कतल की जिम्मेवारी अर्श डल्ला दे वल्लों लई गई सी उन्होंने वल्लों इस संबंधी पोस्ट भी साझी की गई सी। दसदी कि फिलहाल इस मामले दे विच पुलिस दे वल्लों 4 मुलजमान नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दे नाल ही हुण परिवार दे वल्लों मंग कीती जा रही है कि बाकी रहिंदे 2 मुलजमान नूं भी गिरफ्तार किया जाए। परिवार दे कहने मुताबिक उस तों बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोगा तों संजीव अरोड़ा, पंजाबी लोक चैनल।